आई एम स्पीचलेस आई एम सॉरी बहुत बुरे हालात है अल्लाह ताला आपकी मदद करे अल्लाह ताला आपका रिस्क खोले इंसान दुआ ही कर सकते हैं ठीक है सब इनके लिए दुआ कीजिएगा प्लीज़ इजमाही दुआओं की जरूरत है इतना भैरा हालत है मेरा नहीं है वो यू नो जॉब बाद नहीं वो बना नहीं रहे जिनसे खरीदी है मैं क्या करूं वो भी गुर्बत भरे मिलेंगे हम वो भी उससे ऊपर नहीं जा पा रहे हैं कि नहीं सॉरी नो है इतने पैसे आपने नहीं भेजने ज्यादा ज्यादा भेजने स्टार्ट ऑफ विद फारूक हबीब मैंने नाम सुना हुआ पर ऐसे कि मैंने शक्ल दिखाओ शक्ल दिखाई नॉट रजिस्टरिंग ऑफ न्यूज़ फॉर सम रीज़न एनी वे उन्होंने पी टी आई छोड़ दी है और उन्होंने जो एक मतवे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके अंदर उन्होंने यही कहा है कि पार्टी वालों ने अच्छा नहीं किया हमें यूज़ किया अब यूज़ किया टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया फलाना धमकाना वो बहुत दुखी नज़र आ रहे थे मैं आपके साथ इस दुख में पूरी तरह शामिल हूँ और मैं आपको एक बात मैं एक बहुत ही छोटी और फजूल किस्म की वर्कर थी पीएमएलएन की वो ऐसे ही करते हैं हर लेवल पर तो आप किसी भी पार्टी में जाएंगे आपके साथ यही होगा बहुत अल्फाज में कूजे को आपने सुंदर में बंद कर दी है लेकिन मेरा खैर इस पे तो मेरा कोई ख्याल नहीं है होने भी नहीं क्योंकि वो जो है बड़ा अनफॉर्चुनेट मामला है कि यहाँ पर लोगों से मतलब फिर वही बात है कि बयान दिलवाए जाते हैं अगर वो ठीक भी कह रहे हैं तो मसला वही है कि आज से चार पांच दिन पहले तक नहीं कह रहे थे अब कह रहे हैं वक्त बदल जाता है ना बिल्कुल इंसान इवॉल्व करता है इवॉल्व करता है लेकिन खैर इस पे मेरा कोई वो नहीं है सिवाय इसके अगेन के एवोल्यूशन को नेचुरली खुद ही होना चाहिए बजाय के कोई डंडे से करवाए सारा दिन बात तो नहीं रह सकते ना आप सारी जिंदगी कभी तो बदल लें हाँ लेकिन इसमें ना मुझे एक वो बड़ा हुआ कि वो कुछ दिन पहले मुझे एक चीज थी जो जमा होनी थी सिर्फ अस्करी बैंक में गुलबर्ग ब्रांच में सो वो खैर मुझे गुलबर्ग ब्रांच का भी नहीं पता था मैं पहले किसी रैंडम मतलब मॉल टाउन में चला गया मनुका चीज मंगा मेरे कहा जी नहीं ये तो सिर्फ गुलबर्ग ब्रांच में होगी

So, वो अभी तक ऑपरेशनली नहीं हुआ वापस फिर मुझे पता लगा कि उनकी सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो आजकल चली गई हैं अक्रॉस द रोड वो जो सेंटर पॉइंट के पास वाली ब्रांच है तो फिर उसकी वजह से वहाँ पे रश भी बहुत ज़्यादा था वो हो गया काम लेकिन मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि अब जाहिर है अब लोग जो हैं आ, मतलब मेरा ये ख्याल है बिल्कुल एक नाचीज़ का कि वो ठीक है लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनको समझ आ रही है कि ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए लेकिन अब जिंदगी का सिलसिला जो है ना वापस अब चलाने की तरफ जाना चाहिए जो चीज़ें अनऑपरेशनल है तब की उनको वापस ऑपरेशनल बनाने की जरूरत है तो ये बस मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त थी आप बहुत बड़ी दरखास्त कर है हम वैसे कुछ नहीं करना चाहते है आप पुरानी चीज़ों को ऑपरेशनल करना चाह रहे हैं बट एनी हुए बड़ा अफसोस हुआ जी जलने की खबर ही कोई नहीं थी एनी anyway, वे ये ये दो सौ ग्राम मनशियात के मुलम को नौ से चौदह साल सज़ा होगी और मैं मैं बिल्कुल नहीं जानती इन ग्राम्स को और मिली ग्राम्स को वन इट कम्स टू ड्रग्स एंड एवरी थिंग एल्स मनियात के जो केसों में एक ना आ रही थी कि अब जमानतें लेना मुश्किल सज़ाएँ ज़्यादा होने पर अब मुलजम का इकबाल जुर्म करना भी काबिल कबूल नहीं अगर किसी खातून के पास पाँच सौ ग्राम मन बरामद है तो सिर्फ वो प्रोबेशन पर जाएंगी जी जिस तरह पहले था ना कि 200 ग्राम से नीचे अगर मंशियात हैं तो बंदे को भी प्रोबेशन पे भेज देते थे इससे ऊपर पर फिर बकायदा केस होता था तो अब बंदों का जो है वो कर दिया कि उससे नीचे पर भी बकायदा केस होगा और बकायदा आपको सजा होगी अब प्रोबेशन वाला चक्कर खत्म कर दिया जबकि खातान के केस में उन्होंने कहा है कि आप टू 500 ग्राम हम प्रोबेशन दे देंगे उससे ऊपर में आपका बकायदा केस चला का जिसके नतीजे में बकायदा सज़ा होगी सो अगेन इस पर हमारे कोई ख़्यालत नहीं है आ, हम अपने व्यूअर्स से पूछना चाहते हैं कि ये जो पॉजिटिव सेक्सिज्म दिखाया जा रहा है कि खातन को पाँच ग्राम तक भी प्रोबेशन मिल सकती है और बंदों को दो पे <laughs> इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? गेट बिहाइंड ठीक है कि 500 पे जाके प्रोबेशन हो रही है बहुत अच्छी बात है से पे से पर, लेकिन कोशिश करें ना ही करें ना ही करें मैं अब क्या कह सकती हूँ आपकी अपनी मर्जी है हूँ माँ जैसे एजुकेशन uh, अथॉरिटी की गफलत लाखों की किताबें रद्दी बन गई वेयर हाउस में पड़ी हुई लाखों पुरानी किताबें रद्दी में फरोख करने का फैसला आई थिंक लेकिन मसलाट नहीं ना हुई hmm. सो यही तो मैं पिटता हूँ कि ये जो हमने इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स और हेड्स और बना दिए हैं ना उसकी वजह से अजाब मजात है अब ये क्योंकि प्रिंटिंग जो है वो किसी और डिपार्टमेंट के या किसी और हेड के नीचे होगी तो उसका बजट आ गया होगा वो प्रिंट हो गई होंगी डिसेमिनेशन क्योंकि किसी और हेड के नीचे होगी तो उसका क्योंकि बजट नहीं आया होगा टाइम पे तो वो प्रिंट होने के बावजूद डिसेमिनेट नहीं हो सकी तो वो गोदाम में पड़ी रह गई तो वो अब ज़ाया हो गई हैं सो ये इतने सारे जो है ना खलारा ये काम करने की ज़रूरत है बहुत थोड़े से लोग मिलके एक ही डिपार्टमेंट के सारे काम कर सकते हैं और वो जो सरकारी मतलब हमारी जो सरकार का मसला है ना कि कमीज धोने के लिए मुलाम है और शलवार धोने के लिए है तो उसमें फिर नाड़े ही घूमते रहेंगे मतलब मैं इस आई स्टॉप अबाउट दिस कि कितना को दर काटा होना है ये पेपर बनाने के लिए फिर वो पेपर बनाओगा फिर वो पेपर शदीद महंगा था तुम्हें तो पता है मैं कितना अर्सा उस पेपर के पीछे पड़ी रही हूँ फिर वो पेपर से किताब बनी और अब वो किताब सारे के सारी ज़ाया हो गई द काइंड ऑफ लॉस दैट नीड्स टू बी फेल्ट प्लीज़ यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ आप आ, मेरे घर में जो कुक हैं उनकी बेटी का ना उन्होंने कहा कि मैं स्कूल में उस्तानी करा सकती तो मैं आमा का कोर्स कराना चाहती हूँ बच्ची तेरह साल की है मैंने कहा जी बिसमल्ला करें ठीक है उसको हमने एक मोबाइल फ़ोन लेके दे दिया जिसमें वो मोबाइल फ़ोन मैंने क्यों लेके मैं समझ रही थी किताबें दी जाएंगी ओ भाई उन्होंने भी सब कुछ ऑनलाइन एक छोटी सी ऐप बनाई हुई है उसके अंदर पूरी पूरी किताबें हैं जिसके अंदर से बच्चों ने वो पढ़नी है ठीक है उन कुछ को उन्होंने खुद मोबाइल्स दिए कि हम आपकी हेल्प आउट कर लेते हैं फाइनेंशियली हेल्प किया ठीक है इधर से मैंने अपने उसको लेके दे दिया मैंने कहा बच्ची है अच्छा दिमाग पढ़ लेगी वो वो भाई सारा कुछ पी में है वो सारा कुछ उसमें से पढ़ रही है ठीक है और उसने जाके लिखते हैं मैं समझ रही थी कि वो किताबें आएंगी और वो सारा कुछ यू नो बड़े बड़े बैग्स बन कर आएंगे नो दे जस्ट इट ऑनलाइन कि जी हम आपको लिंक देंगे यहाँ से पढ़ें और यहाँ से आगे जाएं सो आई एक्चुअली ड्रीम ऑफ अ डे कि जहाँ पे इस तरह की चीज़ें ज्यादा अगर वो एक छोटा सा स्कूल इस चीज़ को अडोप्ट कर सकता है तो हम भी किसी तरह से कर लें क्योंकि ज़्यादा है ना दैट्स टू मच टू ना लेकिन वो फिर उसके वो दूसरी कॉज ज्यादा है ना कि सब तक

अच्छा ये जिस दिन हमने पिछले सैटरडे को जब मैंने डे ट्रिप किया ना इस्लामाबाद का सो मैंने कभी ज़िंदगी में मोटर वे पर इतनी स्पीड गन्स लगी हुई और इतनी जगह पे इनकी गाड़ियाँ खड़ी हुई मोटर पुलिस की आज तक नहीं देखी थी लेकिन जिस तरह पहले होता था ना कि वन वे ज़्यादा से ज़्यादा तीन जगहों पर लगे होंगे तो उस पर तीन चार गाड़ियाँ भी खड़ी होती थी कि जिनके चलान हो रहे होते थे इस दफा ये कोई बारह जगहों पे खड़े हुए थे और एक जगह भी कोई गाड़ी नहीं थी जिसका खड़े होकर चलान कर रहे हो उसकी वजह ये है कि अब तो चलो चालीस रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया है सैटरडे तक तो वो भी नहीं हुआ हुआ था अब हर कोई तो गाड़ी की एवरेज निकाल रहा है तो तेज कौन दैट इज नंबर ऑफ कार्स इन हाई स्पीड लेन जिन्होंने चालीस से ऊपर नहीं जाना मैं एक सौ बीस पे भी नहीं गया मैं भी एवरेज निकाल रहा तो हूँ <laughs> <गोस बदावत साँग। laughs> लेकिन उसपे भी सवाल यही बनता है कि के ऐसी तो तो, तो तो <laughs> हाँ, तो अभी हमने आपकी शदीद गुरबत का जिक्र किया एंड काम था किसी वजह से जो है ना लोग पैसे नहीं भेजते अच्छा जी ये बहुत अच्छी खबर है बहुत ही ज़्यादा था नैब इज़ हायरिंग फोर्टी वन एक्सपर्ट्स एट ऑल इट्स रीजनल ऑफिसर्स मोस्ट ऑफ़ द वैकेंसीज़ एम टू फिल द पोजिशन ऑफ एक्सपर्ट इंटेलिजेंस नॉट इंटायरली क्लियरली कि एक्सपर्ट क्या है किसी को नहीं पता लेकिन ऑलमोस्ट ऑल पोजिशन ओपन टू रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स और ऑफिसर्स फ्राम सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी कंग्रेचुलेशन इस कॉम का मैं हमेशा से ये कहती हूँ जैसे मुझे अपने बारे में बड़ी टेंशन होती है कि जब मैं बुढ़ापे में जाऊँगी तो मैं क्या काम करूँगी मुझे ऑब्वियसली अपने लिए कमाना तो है मुझे कुछ नजर नहीं आता लेकिन दिस इज द बेस्ट वे टू तो एम्प्लॉय पीपल उनका ध्यान बटा रहे वो वाट्सएप से दूर रहें और इस मुल्क की खदमत करते रहें तो बहुत अच्छा डिसीजन है एक्सीलेंट

On paying its 1.92 million employees and providing pensions on top of over six dozen kinds of perks, privileges and other आउट yet knowing little about their contribution, outcome and impact on taxpayers. <laughs> ये उनका काम नहीं है उनका रियासत का काम है कि सबको उनकी टाइम पे सैलरी देते रहना और जिन्हें होर ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हो कैबिनेट टू डिपार्टमेंट्स नर बंद नु जित नौकरियाँ दे सकते हो उनका सिर्फ ये काम हैम टू द जॉब आपने कहा कुछ? कुछ कोर्स नहीं मुझे पता है कि आप इसके हक में हैं मैं कुछ बोली तो फिर मसला हो जाएगा ना सही नहीं रहेगा फिर बैलेंस नहीं रहेगा एनी वे नो वी कम टू हाँ सो मसला ये है कि मैं एक शो रिकॉर्ड करने के लिए पीटीवी गया पहले तुम ये कहो कि मसला नहीं है माँ हो मैं एक दिन पीटीवी पी गया मैं पीटीवी गया पिछले हफ्ते तो वैसे तो खैर वो शो रिकॉर्ड कराने का मुझे बड़ा मज़ा आया क्योंकि पहली दफा मैंने जिंदगी में पी टी एक बड़ी ही प्रोफेशनल टीम के साथ काम किया बल्कि मेरा प्राइवेट चैनल्स पे भी इतनी प्रोफेशनल इतनी स्ट्रक्चर्ड शूट का एक्सपीरियंस कभी नहीं रहा सो वो अच्छा था बट <laughs> हुआ क्या I was waiting for this. So, wow, अब आप कोई भी चीज़ बना रहे हो दफ्तर को बैठने की जगह कोई खाने पीने की कुछ भी कर रहे हो उसमें सबसे बड़ा बड़ा मरहला क्या होता है वो होता है कि हाउ टू मेक दिस इंस्टाग्रामेबल ठीक है अब इस वक्त पूरी दुनिया के ना एक ही चीज़ है कि जी हाउ टू मेक दिस इंस्टाग्रामेबल अच्छा उधर पीटीवी के वो जहाँ पे स्टूडियोज है ना उधर वो जो दो स्टूडियोज के दरवाजे हैं वो एक जो इतनी सी कमरे जितनी ही जगह आप उसको कह लो लेकिन उसमें उन्होंने ना तीनों कोनों पे बल्कि शायद चारों पे पुराने एक्टर्स प्रेजेंटर्स वहाँ पे जो भी पीटीवी में आते थे उनकी तस्वीरें लगाई हुई हैं साथ डेट लिखी हुई है कि कब पैदा हुए कब फौत हुए और वो बड़ा एक नॉस्टैल्जिक सी वहाँ पे फील है और मैं अभी मैंने कोई सोचा भी नहीं था कुछ करने का अभी मैं सिर्फ फ़ोन निकाला है और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार इस किस्म का मेरा दिल बड़ा अजीब सा हो मैं सोच रहा था कि उधर वीडियो बनाऊँगी यार कुछ अर्से बाद हमारी इधर तस्वीर लगी होगी और क्या ये ज़िंदगी है और ये वजह साथ ही एक बाबा जी है रुण रुण मचा दिया गार्ड को गार्ड्स गार्ड्स वो कह रहे हैं नहीं नहीं सर हम इनको अभी मना कर देते तस्वीर खींच नहीं देखो तुम लोग इधर करते क्या ये देखो इधर तो आके कोई भी वीडियो बना देगा उन्होंने सर आप इजी होके जाए अच्छा वो बाबा जी पता नहीं कौन थे जिनको एकदम से मसला हो गया कि यहाँ पे वीडियो बनने लगी है लेकिन वो पीटीवी के पास एक ही तो चीज है बेचने के लिए और मैं उस पे यह सोच रहा था कि जाहिर है वैसे तो जिंदगी मौत अल्लाह मिया के हाथ में होती है और अक्सर जवान बल्कि अब बच्चे अक्सर चले जाते हैं लेकिन बहरहाल दुनिया का निजाम यही है कि आप बड़ी एज में जब जाते हो बूढ़े हो जाते हो तो फिर आप दुनिया से जाते हो ये एक बेसिकली कायनात का एक बताने का तरीका है कि नाउ यू आर यूज़लेस सो so, यहाँ पर जब तक हम बुजुर्गों को रिटायर नहीं ना करेंगे तब तक इस मुल्क का बहुत मुश्किल है कि कुछ बन सके हाँ और यहाँ मैं जो है ना बच्चों को तलकीन करना चाहूंगा हालांकि मैं बच्चों को कभी तलकीन नहीं करता कि बच्चों हो, हो और जल्दी से जल्दी काम पे लगो बोझ उठा लो घर का ताकि ना <laughs> माँ बाप रिटायर हो सके <laughs> क्योंकि ये जैसे जैसे बड़े होंगे ना ये जो पाकिस्तान में है ना कि होने तो तजर्बा है अच्छा वो तजर्बा तो ठीक है आगे है प्रॉब्लम ये है कि वो तजर्बा जिस जिंदगी का है ना जिस दुनिया का है, वो दुनिया ही नहीं रही दुनिया ही बदल गई अब वो ज़्यादा यूजलेस चीज कोई नहीं है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट लाइक आई एम बिग सपोर्टर ऑफ द ऑन जॉब ट्रेनिंग आपको कुछ नहीं आता उठा के आपको फेंक दो तो। जो लर्निंग आपकी वहाँ से होनी है ना वो आई थिंक इट इज़ मोर टाइम जिसे ए and the things दैट यू रियली नीड टू लर्न एंड अनलर्न वो आपको ना बिल्कुल इनिशियल एज पे ही स्टार्ट कर देना चाहिए तो या बाबा उसको अब बंदा क्या कह सकता है बट वाह मतलब मैं आई स्पेंड सो मच टाइम ऑन इंस्टाग्राम आप आप सोचें मैं कुछ लोगों के साथ काम करती हूँ तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है अबाउट क्रिएटिंग ऑन फूड इस तरह की चीज़ें होती हैं ठीक है वाइब की बात हो रही होती है तो उसके अंदर आपको ये स्पेसिफिकली कहा जाता है कि वी वांट यू टू वर्क ऑन दीज लोकेशंस जो इनके बारे में हम कह सकें मोस्ट इंस्टाग्रामेबल रेस्टोरेंट्स

ये तो नहीं मैंने तुम्हें कहा था बिकॉज प्राइमे तो मैं वो तो मेरा फोन ही बैन कर देंगे <laughs> कि ये लड़की आएगी अंदर बगैर फोन के बिकॉज दिसकमी uh, नहीं नहीं मैंने बस वो शो रिकॉर्ड करा तो करा दिया चल ठीक है अच्छा सो so, ओके uh, okay, ये चलती आ रही थी न्यूज मैं कर ही नहीं पा रही थी, थी तो सो हैव क्रिकेट फ्लैक फुटबॉल अमंग फाइव स्पोर्ट्स प्रूवड फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी एट ओलंपिक्स इन एल ए आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड ऑब्वियसली क्रिकेट तो आना ही था वहाँ पर क्योंकि अब तो हमारी वहाँ पर लीग्स भी हैं हमारे लोग भी जा रहे हैं मोहम्मद आसिफ भी हैं वहाँ पर टीके तो वहाँ पर है लीग्स भी हैं एवरी जी इंक्लूड किया जाए एंड होपफुली दिस विल एक्सपैंड एंड पीपल विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल ऑफ दैट इसके अलावा आई थिंक मेरे पास सिर्फ ये रह गया हुआ है कि हाँ जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर अलहमरा आर्ट्स बंद कर दिया गया स्टेज ड्रामे बंद कर दिए गए स्टेज एक्टर्स ये कर दिए जे वो कर दिया अच्छा एक साइड पे आपके फसाती हो फंसाती है फिर दूसरी साइड पर आ जाता है कि इन अ मेजर मूव ठीक है पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स इज गोइंग टू रीवैम्प एंडबलिश आर्ट्स काउंसिल इन ऑल फोटी डिस्ट्रिक्स ऑफ द प्रोविंस बिसाइड्स कॉन्स्टिट्यूट बॉर्ड वगैरह मुझे आप लोग ना मुझे आर्ट समझा दें तो मैं मान जाऊंगी कि वट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ आर्ट वेन यू टॉक अबाउट इट मैं आप हमें डेफिनेशन दे हमें ये हुकूमत से मैं कह रही हूँ कि आप हमें डिफाइन करें व्हाट डू यू थिंक इज आर्ट ठीक है तो ताकि हम भी कुछ कहने में आज जो थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स चीज होती है उसको वहां बैन कर दिया जाता है तू हूँ एक कमेटी बनवा देंगी हुकूमत तो जो डिफाइन कर बैठेगी कि आर्ट की ये उन सारों की तनख्वाहें उन सारों की पेंशनें हमारी जेब से जाएंगी तो